जिनके बीच में कंपटीशन होने वाला है, तीनों के तीनों रेडी हो गए। चल 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 चल, ये देख लो मेरे पैर भी हवा में दे और खींच के ले गया। चल बेटा रॉकी, गाइस हेल्प तो ऊपर ही आ रहा है यार। ए ले ओ भाई, रॉकी ने दांत मार दिए लूसी के। तो गाइस वेलकम बैक विद द न्यू व्लॉग, और आप देख रहे हैं SCHOP के व्लॉग। सामने पिकू देख लो, फुल एक्शन में है, लेकिन आपको हसीना और लूसी ने इसका एक्शन ही खराब कर दिया, वरना ये ना पुराने वाले एक्शन में था। अरे आ गए तो एक्शन में सच में, जब ये टाइगर वाला एक्शन ले हुआ है ना, तब ये पता क्या करे, सीधा होगा पैर पकड़ ले। सीना ने बताया कि मैं भी हूँ यहाँ। सीना के पर इतनी खुजली हो रही, इसका ये नहीं पता लग रहा कि है क्या यहाँ। पहले ये चीज ढूंढू इसका है क्या, और चीजिया इधर भी अपने डोरीमोन और जहाज गोद में लेकर घूम रहा। ऐसा बालक तुमने कभी देखा होगा जो जहाज और डोरीमोन अपनी गोद में लेकर घूमता हो? नहीं, यू तो डाकू हसीना को भी गोद में लेकर घूम रहा है, इसके साथ तो अलग ही बॉन्ड है। आज मैं लूसी को लेकर जा रहा हूँ अपने साथ ऊपर। व्यू ने भी बता दिया कि लूसी और पप्पी उसे लेके जाना ऊपर। अबे कितना करंट है यार इसके अंदर। बस आज लूसी को लेके जा रहे हैं रॉकी के पास। इन्हें ना धीरे धीरे उससे मिलवाने की पूरी कोशिश करेंगे, मतलब उसके साथ इनकी सबकी दोस्ती करवानी पड़ेगी। पीकू के साथ तो दुश्मनी है, बाकी और सब तो उसके दोस्त बन सके। अगर मैं वीडियो बनानी शुरू कर दूं ना तो उसको भौंकना स्टार्ट कर दे, जो अपने पंछी है ना वे भी चहचाना स्टार्ट कर दे। चलो गाइस अभी लूसी को लेके चलते हैं रॉकी के पास। पप्पी को ऊपर नहीं ले जा रहे, पप्पी को फिर ले जाएंगे। तू नहीं जाने का? व्यू अब पहले से बहुत समझदार हो गया। ठीकू के ऊपर जाती हुई तो धर्म युद्ध नहीं महायुद्ध छोड़ेगा। गाइस वीडियो में व्यू को ज्यादा देखना, किस किस को पसंद आया, कम से कम 500 या 600 कमेंट करके बता दो भाई। जो हमने 75 डे चैलेंज दे रखा ना, उसमें व्यू क्या बोल रहा है, कैसी बात बोल रहा है, वो सारी चीजें भी पूछी जा सकती है भाई। 75 डे तक तुम्हें एक सेकंड भी स्किप नहीं करनी, तभी तो पता लगेगा कि व्यू ने क्या कहा। नो रॉकी नो, गाइस रॉकी बंधा हुआ है, क्या पता भाग के पकड़ने के चक्कर में इसके ऊपर गिरी भी लगा ले। दोनों को खोल दिया, अब देखते हैं भाई क्या सीन होगा। अब यार कुछ गड़बड़ ना हो जाए बस। ओ भाई लूसी की तो रेल बना दी इसने भाई। ओ भाई ओ भाई, बुटकाना भर लिया। ओए रॉकी बुटकाना भर लिए। ओ बेटे लूसी में इतना जंप है, नीचे से डाकू हसीना भौंक रही, इन्हू कह रही कि लूसी के साथ कुछ गड़बड़ होगी दिखे। अब रेल की बना दी इसकी इनने। अरे बट लूसी कहाँ आता आने वाली, इसकी इसके फिल्टर चौंक कर देगी लूसी। लूसी ने तो इसकी फिरकी बना दी। अरे देखते हैं लूसी को पकड़ लगा गया रॉकी आज, मतलब वो वाला पकड़ना नहीं, अगर वो वाला पकड़ना हुआ ना तो भाई लोग लगा के बैठ जाएगा। ऐसे ही पकड़म पकड़ाई है, हाथ भी लगा देगा क्या रॉकी इसके। पकड़म पकड़ाई में लूसी विनर है, लूसी रॉकी के हाथ में भी नहीं आ रही भाई। इसके जो जंप है ना वो तो भाई खतरनाक है। अब टक्कर क्यों मारा मेरा। ओए लूसी हाथ नहीं आने वाली, लूसी ऐसा सामान है यार, ये किसी के भी हाथ नहीं आती। रॉकी बढ़ा दी रॉकी की तो। अगर इसकी रनिंग करवानी हो ना तो पहले लूसी की रनिंग करवा दो, और जिस दिन इसे घर से बाहर नहीं ले जा सकते उस दिन लूसी को लाके छोड़ दो। लूसी इसकी ऐसी रनिंग करवा देगी, फिल्टर चौक कर देगी इसके। अभी थोड़ी देर में देखना सांस चढ़ जाएगा इसे। कल ना लूसी ओ भाई टक्कर मार के गिर दे यू। ओ लूसी का मुंह फोड़ दिया इसने तो। कल ना लूसी और रॉकी की आमने सामने ग्रिप भी लगवाओगे, आज नहीं लगवाते क्योंकि आज पहला ही दिन है, कभी ऐसा पता लगे कि खत्म। कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहती रॉकी, नो गड़बड़ रॉकी, नो गड़बड़। गाय में लूसी को अकेला छोड़ के नहीं जा सकता नीचे, एक कबूतर का बच्चा आ गया घर में, के पास जाना पड़ेगा, उसे देख के आना पड़ेगा। अगर मैं लूसी को अकेला यहाँ छोड़ के चला गया ना तो भाई कुछ भी हो सके, क्योंकि लूसी अकेली हताश हो जाएगी, और लूसी मेरे भरोसे ही तो अभी यहाँ फुदक रही, इसलिए मैं लूसी को अपने साथ लेके जाऊंगा। ओ भाई रॉकी ने दांत मार दिया लूसी के। गाय नहीं ये तो पुराना लग रहा, कहीं इसके तो पुरानी चोट लग रही है, बट लग कहाँ रही यार, ऐसा लग रहा है जैसे कि दांत ही मार रखो। ये पता नहीं लग रहा कि ये चोट इसके लगी कहाँ। पीकू की वही आदत है, यहाँ बैठ के इंतजार करता रहे कब आएगा। उधर डाकू हसीना कच्ची निकालने लग रही व्यू की। अपना पूरा गैंग लेके आ गया कबूतर को बचाने के लिए, पीकू लूसी डाकू हसीना इनका लीडर। ये तो बहुत छोटा सा कबूतर का बच्चा है, लेकिन अब तक ना पीकू की नजर पड़ी इसके ऊपर ना लूसी की। पीकू नो, ओए पीकू हट जा पीछे, पांव के नीचे दबा। भाई लूसी पे विश्वास नहीं वजह है, बाकी और इन सब पे विश्वास है, हार्ट बीट बहुत बढ़ गई इसकी तो। कबूतर का बच्चा आयो। चलो गाइस सिड्डी लगा के इसे ऊपर रखते हैं, हवा पकड़िए एक मिनट भाई। नहीं मैं नहीं पकड़ू सर। चलो गाइस अक्षय कुमार को पकड़वा दिया कबूतर का बच्चा। गाइस इसमें तो दो अंडे और आगे, अब तक ये जवान नहीं हुआ, अंडे और आगे। देसी मिस्त्री को देख लो, घर के जो भी ऐसे वैसे काम है ना सारे निपटाते हैं मम्मी। चलो आज तुम्हें पीकू डांस दिखाता हूँ, अब दिखाएगा डांस एक बार और। वैसे इसकी पूंछ पकड़ लो कोई दिक्कत नहीं, डाकू हसीना इतनी छोटक सी है, अगर बैठना है इसके ऊपर पाँव भी धर देना है तो पाँव के नीचे पता नहीं लगने का है भी नहीं है। इसके ले लिया। अबे अबे ऊपर खड़ी।
साले का खोपड़ी तोड़। आज हम रनिंग करवाने वाले हैं खबीसी वर्सेस बोजो। आज ना उसके साथ रनिंग करवाएंगे खबीसी की, क्योंकि वो भी एबीपीटी है और वो भी एबीपीटी है, और आज तक खबीसी ने कोई भी तैयारी नहीं करी रनिंग की। आज देखने वाले हैं कि वो बोजो के साथ भाग पाएगी नहीं भाग पाएगी, जीत पाएगी हार पाएगी, क्या होगा। तो वो सारी चीज देखने के लिए आज खबीसी को बोजो के साथ छोड़ने वाले हैं। गाइस तुम्हें क्या लग रहा है कौन जीतने वाला है? आज तक खबीसी की एक बार भी प्रैक्टिस नहीं करवाई रनिंग की, आज उसका पहला दिन होगा किसी के साथ कंपटीशन करने का। अपनी जो डाकू हसीना है इतनी ज्यादा खतरनाक है, मैं इसके बारे में क्या बताऊं यार। ये ना भाई जी ना आराम करके रखा है, दोपहर के टाइम भी, सुबह के टाइम भी, शाम के टाइम भी। ये जो नटखटपना है ना वो ऐसा नहीं है, वो ऐसा है कि लूसी के साथ इतनी ज्यादा खुरापात करा है, और अब तो व्यू के साथ भी करने लगी। व्यू के साथ थोड़ा हार्ड डर लगने लगा क्योंकि ये ना कुछ ज्यादा ही करने लगी। अब ये भी खबीसी को लेकर चलते हैं रनिंग के लिए, पूरी तैयार हो रही। देख लो बाइक पे भी कैसे बैठी, जैसे कि यही बाइक चलाने वाली हो, लेकिन जब से इसने खड़काई ना इसकी हालत देख लो कैसी होगी। कान पे भी ये कितनी बुरी हालत होगी, इधर बॉडी पे भी ये देख लो कैसे हालत होगी। डॉक्टर भी ये कह रहे थे कि इसने खड़का रखी, इसके शरीर में से गर्मी निकलेगी। जब चैलेंज में हो सकता है टाइगर भी जुड़ जाए, टाइगर भी इनके साथ भागने वाला है। तो देखते हैं इन तीनों में से कौन विनर होने वाला है। 1 2 3 चलो काम करते हैं। फिर रनिंग ट्रैक पर जाने से पहले मोती भी मिल गया। खबीसी का मन कर रहा है इसके पास जाने का, बल्कि मोती का ज्यादा मन कर रहा है इसके पास आने का, बट खबीसी तो पता नहीं क्या सोच रही दिमाग में। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए। सामने से बोजो भी आ गया। बोजो की हाइट भी खबीसी से ज्यादा है और बोजो का वजन भी ज्यादा है, बोजो की उम्र भी ज्यादा है। सामने से टाइगर भी आ गया, जिनके बीच में कंपटीशन होने वाला है। तीनों के तीनों रेडी हो गए। ये रहा टाइगर, ये रहा बोजो और ये रही खबीसी। खबीसी और टाइगर की एज सेम सेम है, बोजो इनमें सबसे बड़ा है। अब देखते हैं इन तीनों के बीच में कौन विनर होने वाला है, टाइगर बोजो या फिर खबीसी। गाय अभी तकड़े वाला सीन बन गया, सामने से ट्रैक्टर आ गया, इसलिए तीनों को पकड़ना पड़ेगा क्योंकि ये छोटे छोटे बालक है। ओ भाई ओ भाई बोझो देख, ओ फाइट ना हो जा, ओ बजना जाने की बस। और खबीसी में तो पूरा करंट आ गया यार, अब तक खबीसी में करंट नहीं था, लेकिन जब बोझो ने भाव करी ना तब भाई इसमें पूरा करंट आ गया एकदम। आज तो भाई अपनी बीएमडब्ल्यू भी टूट जाती एकदम से, मोटरसाइकिल पे तो कूद गया, इन्हें पकड़ना पड़ा। अब देख लो खबीसी बोझो को कुकर पकड़ लग रही है, पूछ पे लोग लगा देगी भाई साहब, उछल उछल के पकड़ लग रही इसकी पूछ। खबीसी भाई आ लिया। उससे पहले बोजो आ गया, उससे पीछे लग रही खबीसी भागी हुई, लेकिन टाइगर का नहीं पता लगा वो कहाँ रह गया। ओ भाई पंगा ले लिया, पंगा जाती पंगा ले गया। तो खबीसी इसलिए नहीं भागी कि इसे रनिंग करनी थी, खबीसी इसलिए भागी क्योंकि इसे बोजो के साथ पंगा लेना था। अब अगर एक बार भी छोड़ देना तो बोजो के साथ पंगा ले लेगी पक्का। ये देख लो बोजो की तरफ को ध्यान है अब भी। चलो गाइस जमीन की मालिश करते हैं हल्की हल्की। अब भाई टाइम आ गया खबीसी की भी रनिंग प्रैक्टिस करवाने का, और अब टाइगर भी आ गया। पापा चले था, टाइगर तो उल्टा भाग गया था वहीं जहाँ से रनिंग हुई थी। अभी इन दिनों में से एक को बाइक पे बिठाना पड़ेगा, बाकी दो चलेंगे पैदल। बोजो को तो बाइक पे बिठा लिया, टाइगर भी नीचे है, खबीसी भी नीचे है। अब टाइगर की और खबीसी की हल्की हल्की रनिंग करवाऊंगे। गाइस अभी चलते हैं रोकी को लेके, पिको पहले एडजस्ट करते हैं। ऐसे जब भी मैं पिको आवाज मार के ऊपर लेकर आऊं पता लग जा कि अब रोकी जाने वाला। और सामने कन्हैया को देख लो, पूरी पावर लगा रहा था घर से चलते वक्त, मैंने बाइक भी स्टार्ट नहीं करी, अपने आप ही बाइक को खींच के ले जा लग रहा। और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, ना धकेला ना धक्का दिया, कुछ भी नहीं करा, मोटरसाइकिल को ऑटोमेटिक खड़ी हुई मोटरसाइकिल को ही धकेल के ले जा लग रहा। चल भाई रोकी, अब रोकी चल, हमें पहले सुसू करेगा, खड़ी खड़ी बाइक को खींच के ले जाएगा। चल भाई चल चल भाई चल 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 देख लो मेरे पैर भी हवा में दे और खींच के ले गया। चल बेटा रोकी, चल रोकी चल चल रोकी चल रोकी चल। ओ भाई अब यार सामने है पिंगू का दुश्मन आ गया और रोकी बाइक खींच रहा है ना, वैगी बाइक खींच के उसकी तरफ भी ले जा। चल रोकी चल चल रोकी चल चल सीधा सीधा चल रोकी, नो रोकी नो, आगे बोले आगे चल चल बेटे चल चल रोकी चल चल बेटे रोकी। भाई अपने सब्सक्राइबर भाई आए मिलने के लिए, पहले भी आए थे और पहले भी इसी टाइम आए थे रात के टाइम, और अब फिर आ रहे, लेकिन रात के टाइम आना सेफ नहीं है यार, थोड़ा सा समझे इस बात को भाई। डॉग की पावर का पता इस चीज से लग जा कि वो कितना वजन खींच रहा। आज हमने इस पे स्प्लेंडर बाइक खिंचवा दी, जब अपनी नई वाली स्प्लेंडर लेकर आएंगे तब वो भी देखेंगे खिंचवा के वो खींच देगा क्या। हमने से एक डॉग लग रहा, रोगी ने अपना रास्ता ही बदल दिया, उसकी तरफ ही चला गया। अब नहर में कुदाओगे कैसे, ओए बच गया। अगर मैं रोगी की हल्की हल्की रनिंग करवाऊंगा तो इसका धीरे धीरे कटिंग निकलनी भी स्टार्ट हो जाएगी। रोगी आज कहीं पानी नहीं मिलने का, सीधा चलते रहो कुत्ता। गाय अभी घर पे ये नहीं पता कौन सा डॉग आ रहा, या तो भाई हो सकता है कि अल्फा रहा हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि पीकू पर खुल गया हो। अल्फा रहा कहा है? ओ भाई गाय अल्फा तो ऊपर ही आ रहा यार, ये वाली गड़बड़ होगी भाई। गाय ओए क्यों छोड़ दे हूं? अब भाई शुक्र है बांध रखा है, तो गड़बड़ होगी गाय, वापस ले जाना पड़ेगा। आ जा इधर आ।
हेल्पर को बाहर घुमा के आ जाएंगे और साथ में भाई को भी छोड़ के आ जाएंगे। भाई का गांव हमारे इन गांव के नजदीक में ही है, मतलब भाई के मामा का गांव है।